चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को वैसे करना है, देखिए इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले बात क्वेश्चन पढ़ लें, 10x = -4/3 है और ये यक्स की जो वैल्यू है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। अब इसमें देखो आंसर जो मांगा है वो x/2 के फॉर्म में मांगा है, लेकिन हमें जो क्वाड्रेंट पता है वो एक्स का क्वाड्रेंट पता है आपको, ठीक ना। वो क्या होता है, ऑल सुगर टी एंड कॉफी, ठीक है। यहाँ पे ऑल सुगर टी एंड कॉफी, इसका मतलब देखो एक्स एक्स डैश वाई और ये वाई डैश हुआ, ये कब अप्लाई करना है, जब आपकी जितनी वैल्यू है ना कॉस एक्स जैसी है 10x के फॉर्म में रहे, तब इसको अप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। ऑल का मतलब सभी प्लस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका मतलब हुआ साइन और कॉस प्लस, ठीक है। इसका मतलब हुआ टेन और कॉट प्लस, और इसका मतलब यह हुआ कि कॉस और सेक प्लस में रहेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो वैल्यू आप पढ़े हैं या पढ़े होंगे या अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये कब के लिए है, जब आपकी 10x के फॉर्म में वैल्यू हो तब इसको चेंज करना है, ठीक है। लेकिन जो आंसर बताना हो x/2 तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको याद रखना है, ठीक ना। पहले इसमें गिवन लिखना है, वी हैव गिवन, वी हैव गिवन, वी हैव आल्सो गिवन, दो दो बार गिवन है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कुछ चीज़ें और गिवन है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं क्या गिवन है। एक्स इज इन क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट पे है, जब सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है तब ये सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कितनी डिग्री, देख लेना 90 से, ये 90 डिग्री है, ठीक ना। ये वाली वैल्यू जो है ये 90 है, और 90 से ये जब यहाँ आओगे ना 180 हो जाती है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ 180 है, तो 92 कितना हो जाएगा, 90 लेस देन एक्स और लेस देन कितना हुआ 180। इसी को हम ये डिग्री में रेडियन कन्वर्ट करें तो π/2 लेस देन एक्स लेस देन 180 होगा, 180 नहीं, तो इसको हम रेडियन कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। ये हो गया, ये तब की कंडीशन के लिए जब यूनिट क्या हो ओनली एक्स। लेकिन आंसर हमें किस फॉर्म में देना है, ध्यान रखना आंसर हमें देना है ये देखिए x/2 के फॉर्म में। अब x/2 के फॉर्म के लिए क्वाड्रेंट क्या होगा, तो ध्यान रखना एक्स में 2 डिवाइड करना है, तो देखना ये हुआ x/2 मैंने बनाया, तो सभी जगह आप 2 डिवाइड करो, तो 2 × 2 हुआ और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, ठीक है। देन इसका जो क्वाड्रेंट बनने वाला है वो देखो π/4 लेस देन एक्स, ये एक्स है हाँ, लेस देन x/2 लेस देन π/2, इस फॉर्म में आंसर देना है आपको। इसको कब अप्लाई करना है समझ में आ गया, ये वाला अप्लाई तब करना है जब यूनिट क्या हो x हो, जैसे देखो इम्प्लाई एग्जाम्पल देखो, जैसे साइन एक्स दिया है तब ये क्वाड्रेंट लगेगा, कॉस एक्स दिया है तब ये लगेगा, ठीक है ना। जितने भी है साइन कॉस टेन कॉट टेन दिया है कॉट एक्स दिया है, तब इसको आप अप्लाई करेंगे, लेकिन आंसर किस फॉर्म में आ गया x/2, मतलब जब आप आंसर लास्ट में देंगे तो इस फॉर्म में आंसर देंगे, इसको मेंशन करके ही देंगे, इसको ध्यान रख करके देंगे। तो आंसर देखो जब देने देंगे तो कैसे बनेगा, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो पाई का मतलब 180, और 180/4 अगर हम करें लेस देन x/2 और लेस देन हुआ कितना 180/2, ठीक है। ये डिवाइड हुआ ये आ गया 45 डिग्री, लेस देन x/2 और लेस देन क्या हुआ 90, ये आ गया ना 45 डिग्री लेस देन x/2 लेस देन 90। ये आप क्या बता रहा है कि जो भी x/2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 45 डिग्री से लेकर के 90 के बीच होगी, तब की कंडीशन में आपका जो क्वाड्रेंट होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, क्वाड्रेंट देखो ठीक है, इस क्वाड्रेंट पे जो आप वैल्यू मेंशन करेंगे देखो यहाँ पे गौर समझ लेना, अगर 8 समझ में आ गया तो 9-10 अपने कर लेना, यक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तब की कंडीशन ही बन गई, इसमें मैंने रेडियन से डिग्री बना ली है। अब 45 से 90, ये टोटल होता है क्या 90 डिग्री है। आगे समझिए, क्वेश्चन बोला है एक्स क्वाड्रेंट में है, एक्स एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन हमें निकालना है x/2,
इस चीज को भी याद रखना, एक्स अपॉन टू, और एक्स अपॉन टू के लिए 45 से 90 मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि इसका फॉर्म ये बन गया। तो ये पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब ये है जीरो, ये है 0 डिग्री और यहाँ तक जाएंगे 90 डिग्री। तो 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट बना? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं पहले ही बोल चुका हूँ क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, प्लस हो जाती है। समझ में आया? ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस होंगी तो इसका आंसर जब आप देंगे इसका साइन एक्स अपॉन टू, कॉस एक्स अपॉन टू और टेन एक्स अपॉन टू को, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सभी की सभी वैल्यू जो आएंगी प्लस में आएंगी इसके थ्रू, क्योंकि ये मेंशन हो गया ना, प्लस में हो गया। लेकिन अगर हम जब ऐसे फॉर्म सॉल्व करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, तब फिर इस चीज को याद रख के करेंगे हम क्वाड्रेंट सेकंड को याद करके। लेकिन अभी जब हमने इसको चेंज किया एक्स अपॉन टू के फॉर्म में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देंगे। लेकिन क्वेश्चन को हम सॉल्व जब करेंगे इस यूनिट को लेकर के, एक्स वाली को लेकर के, तो सेकंड में, और जब इसी यूनिट को लेकर के करेंगे यानी पाई बाई टू को लेकर के करेंगे तो कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये देखो इतना सारा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे हम देयर फॉर करेंगे, इसी चीज को लिखेंगे अब यहाँ पे, देयर फॉर, देयर फॉर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन टू एंड टेन एक्स अपॉन टू आर लाइज, लेते हैं कहाँ है, आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन एफ आई आर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आ गया समझ में? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका आंसर जब हम देंगे किसका, साइन एक्स अपॉन टू का, कॉस एक्स अपॉन टू का, ठीक है, साइन एक्स अपॉन टू, कॉस एक्स अपॉन टू, टेन एक्स अपॉन टू का, तो सभी का आंसर हम प्लस में देने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन कुछ कैसे भी सॉल्व करें आंसर प्लस में देना है। ठीक है, चलिए बात है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसमें इवन जो भी है लिख लेना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो पहला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फार्मूला थर्ड आइडेंटिटी, क्योंकि हमें दिया क्या है, टेन एक्स इज इक्वल -4y3, थर्ड नहीं सेकंड लगाएंगे, सेकंड से आंसर पा जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखिए बाय सेकंड आइडेंटिटी, वो क्या होती है, 1 + tan²x = cos²x, cos नहीं sec²x, ठीक है, sec²x, ठीक है, sec²x बाय बाय सेकंड आइडेंटिटी, ये लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करेंगे, 10 की वैल्यू जो दी है यहाँ पे पुट करिए आप और सॉल्व करते जाइए। ध्यान रखना यूनिट क्या है, एक्स है, अभी यूनिट एक्स है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन को सॉल्व करते आएंगे, लेकिन आंसर जब देंगे तो एक्स अपॉन टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देंगे। 1 + tan की वैल्यू -4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec²x, ये हो गया 1 + 16/9 इज इक्वल sec²x। अगेन 9 + 16/9 इज इक्वल sec²x, यूअर 25/9 इज इक्वल sec²x। देन sec की वैल्यू चाहिए हमको, 25/9 इज इक्वल sec x, ये हुआ 5.3 इज इक्वल sec x। अब यहाँ पे हम इम्प्लाइज करके मेंशन कर लेते हैं, sec x इज इक्वल हुआ 5.3, और sec फार्मूला यहाँ पे हम sec को कन्वर्ट करेंगे cos में, क्योंकि आंसर cos में चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 / cos x इज इक्वल 5.3। रेसिप्रोकल करिए, चेंज करिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हैं, 5 cos x इसका इसमें इंटू 3 इज इक्वल 3, देन cos x इज इक्वल 3/5 आ गया। आगे समझे, cos की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे cos तो आ गया इस, ठीक है, अब cos भी ये आंसर जब यहाँ देंगे प्लस माइनस लिख करके दीजिएगा, प्लस माइनस, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट को ही बताएंगे ना, प्लस या माइनस करके यहाँ पे लिखिएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे एज सच दैट x इज इन क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट सेकंड। देखो अभी क्वेश्चन यूनिट एक्स है इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, सेकंड, सो कॉस एक्स विल बी नेगेटिव, विल
विल बी नेगेटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस एक्स नेगेटिव रहेगा, साइन और कॉस एक्स प्लस रहेंगे, यानी यहाँ पे हम आंसर देंगे किसका, कॉस एक्स प्लस का। कॉस एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, -3/5, ये लीजिए कॉस का गया, लेकिन चाहिए कॉस एक्स अपॉन टू का। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले यूज करने वाले हैं, वो देख लें आप। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कॉस एक्स इज इक्वल, ठीक है, -2 cos² x/2 - 1, एक ये फार्मूला होता है कॉस एक्स का, और एक फार्मूला और होता है 1 - 2 sin² दोनों लिख लेने एडवांस में, अगले क्वेश्चन के लिए हम अप्लाई करेंगे। 2 sin² x - 1, 1 मिनट ज्यादा हो गया, दो दो बार लिख दिया, ठीक है। एक होगा कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स इक्वल टू cos² x/2, और एक होगा कॉस एक्स इक्वल 1 - 2 sin² x/2, ये दो फार्मूले। लेकिन हमें अभी जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कॉस एक्स अपॉन टू वाला, तो ये वाला हम लगा देंगे, ठीक है। एक फार्मूला और हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, पहले एडवांस से बता देते हैं, cos² यहाँ पे लिख देते हैं, sin² x/2 + cos² x/2 = 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी को ही एक्स अपॉन टू के फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाया गया, ठीक है। ये तीन फार्मूले लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ लिखे, हम एडवांस बता दिए, अभी हम यूज करने वाले हैं इस फार्मूले का, ठीक है, क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू चाहिए। चलिए हम मिलकर यहाँ करते हैं अप्लाई, ठीक है। cos² x/2 - 1, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन ठीक से पढ़ा रहा हूँ, काफी टाइम लगेगा, तो ठीक है, दिन भी जाएगी वीडियो। कॉस एक्स की वैल्यू अभी जो निकली है ये वाली -3/5, पुट इट हियर, 3/5 = 2 cos² x/2 - 1, ठीक है। चलिए अब उसको माइनस को इधर लाइए, तो 1 - 3/5 = 2 cos² x/2, 5 से इंटू करिए, तो 5 - 3/5 = 2 cos² x, देन 5 में 3 गया कितना आएगा, 2/5 = 2 cos² x/2। अब 2/5 ये इंटू पे है तो डिवाइड आया, 2 से 2 डिवाइड हुआ, cos² x/2 आ गया, तो ये हुआ 1/5 = cos² x/2। इंप्लाइज लीजिए और लिखिए cos² x/2 = 1/5, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस की वैल्यू चाहिए, cos² ये आया 1/5, cos² = 1/√5 हुआ, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। अब यहाँ इंप्लाइज लिख करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, cos² = रेशनलाइज करना है √5 का, √5 √5, डिनोमिनेटर पे जितने भी आप रूट मिले उनका रेशनलाइज जरूर करना है, ये आया 5, तो कहा जाए अब जाके cos x upon 2 की वैल्यू आई, अभी तक cos x upon 2, अब देखो आंसर हम दे रहे हैं x upon 2 पे, तो ये जब आंसर देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट देखकर भी नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अब यूनिट x upon 2 हो गई, cos किया गया, अब हमें निकालना है साइन के लिए, तो साइन के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, उस फार्मूले को देखेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी से यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम sin² x/2 + cos² x/2² लगा देंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी इक्वल 1। अब चूंकि आपको पता है cos x upon 2 भी सॉल्व किया था, इसको रख दीजिए, sin² x/2 + इसकी वैल्यू √5.5² = 1, ठीक है। ये हो जाएगा sin² x/2 + 5.25 = 1, डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, sin² x/2 + 1/5 = 1, तो ये हो जाएगा sin² x/2 = 1 - 1/5। अगेन यहाँ पे लिखिए sin² x/2 = 5 - 1/5, देन लिखिए sin² x/2 = 4/5, ठीक है। अब इसके बाद हमें साइन की वैल्यू, ओनली साइन की वैल्यू चाहिए, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ साइन, तो sin² = √4/5, ये हुआ sin² = 2/√5, ये आ गया। आगे
वो अपॉन रूट फाइव। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आपको रूट मिले ना डिनोमिनेटर में, उसका रेशनलाइज जरूर करना है। एक्स अपॉन टू अपॉन रूट फाइव इन टू रूट फाइव अपॉन रूट फाइव। रेशनलाइज 9th के एनसीईआरटी के वन चैप्टर न्यू बुक आप पढ़ेंगे तो 1.3 या 4 पे मिलेगा, 1.3 पे मिल जाएगा। ओल्ड बुक में 1.4 पे मिलेगा, ये 3 पे 4 पे नहीं, वो 5 पे मिलेगा, ये 4 पे मिलेगा। ठीक है, इसका इंटू करें तो 2, और लास्ट क्वेश्चन 2 अपॉन रूट 5, रूट रूट कट गया तो 5 आ गया। ये साइन एक्स अपॉन टू की वैल्यू आई इतनी समय। ठीक है, इसका भी आंसर हम किस में देंगे आपको याद है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि हमने वैल्यू को चेंज करके देखा था कि जब यूनिट एक्स अपॉन टू होगी तो किस क्वाड्रेंट पे आएगी। इसका भी आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा स्टेप। ये तो 2 हो गए, अब आते हैं तीसरे पे, और वो क्या है 10। और 10x/2 इज इक्वल, 10 का जो फार्मूला होता है साइन x/2 इज अपॉन कॉस x/2 मेंशन करिए। चलिए दोनों की वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। तो ये रही कॉस की और ये साइन की, तो ये साइन को होगा 2 √5/5 अपॉन, ये हो जाएगा √5/5। ठीक है, अब आते हैं, देख यहाँ पे रूट और रूट, रूट फाइव, फाइव फाइव डिवाइड हो गया डिनोमिनेटर, बचा कितना 2 √5/5, ये भी डिवाइड हो गया तो बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 2। तो 10x/2 जो आया वो 2 आ गया, और सभी की वैल्यू प्लस ही रहनी, तो ऑलरेडी प्लस में है। ठीक है, अब लास्ट में इसका आंसर मेंशन करिए आप, देयर फॉर। ठीक है, अब जाके क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लिखिए देयर फॉर, देयर फॉर द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ साइन x/2 कॉस x/2 एंड 10x/2 आर, साइन कितनी आई थी 2 √5/5, कॉस की आई थी √5/5 एंड इसकी आ गई 2। क्योंकि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आंसर देना था, इसलिए सभी के सभी प्लस में आए ही हैं, तो प्लस में रहने दिया। अगर माइनस में आए होते